नमस्कार प्यारे बच्चों, कल हमने 10th क्लास में पढ़ा था कि लाइट का लेसन हमने स्टार्ट किया था। लाइट का जो टॉपिक था वो हमने स्टार्ट किया था। दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों, अभी कोरोना महामारी है और कोरोना महामारी से आप सबको बचाव रखना है, सावधान रखनी है। आपको हर एक दो घंटे से हाथ धोने हैं और लगातार साबुन से 20 सेकंड तक लगातार अच्छी प्रकार से हाथ आपको धोने हैं, ठीक है। और बाकी सावधान रखनी है, कहीं भी बाहर निकलते हैं तो मास्क पहन के निकले। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अपना टॉपिक इस प्रकार से रहेगा अपना कि कल का जो अपना टॉपिक पढ़ा है वो टॉपिक अपने पढ़ा है लाइट का, उसको अपने आगे बढ़ाते हैं। लाइट वाले टॉपिक को अपने आगे और बढ़ाते हैं। तो अपने लास्ट से जो बात रही वो रही थी परावर्तन और अपवर्तन की। लास्ट जो अपने पास शब्द रहा था वो रहा था परावर्तन। हमने पढ़ा परावर्तन, एक बार थोड़ा सा दोबारा देख ले। परावर्तन में हमने ये पढ़ा कि परावर्तन वह क्रिया है जिसमें प्रकाश की या श्वेत प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराकर, ये कोई वस्तु है और इस वस्तु से कोई श्वेत प्रकाश की किरण है वो टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। प्रकाश की किरण है वो इस प्रकार की आपतित किरण है, आने वाली किरण, और इस वस्तु से टकराने के पास वापिस उसी माध्यम में लौट जाती है। पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो उस क्रिया को हमने क्या कहा था? परावर्तन कहा था। फिर इसमें हमने ये पढ़ा था परावर्तन दो प्रकार का होता है, एक तो नियमित और एक विसरित। नियमित तो क्या पढ़ा? नियमित में हमने ये पढ़ा कि अगर समतल वस्तु से प्रकाश की किरण टकरा के एक निश्चित दिशा में उसका परिवर्तन हो, एक शब्द काम में लेना है निश्चित दिशा, यानी परावर्तन होगा बिल्कुल, लेकिन परावर्तन किसमें होगा? एक निश्चित दिशा में परावर्तन होगा। और विसरित में क्या होता है? जो वस्तु होती है वो असमतल या उबड़ खाबड़ वस्तु होती है, उससे प्रकाश श्वेत प्रकाश की किरण का परावर्तन होता है, वो एक निश्चित दिशा में नहीं होता, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं? विसरित कहते हैं। फिर हमने ये पढ़ा परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के नियम में हमने ये पढ़ा कि जो प्रकाश की किरण आती है उसे तो हम कहते हैं आपतित किरण, ठीक है दोस्तों, और जो परावर्तन होने के बाद लौटती है उसे क्या कहते हैं? परावर्तित किरण, ठीक है। और इन दोनों को दो समान भागों में बांटने वाली जो काल्पनिक रेखा है उसको क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब काम ने इसको कोण आई कहा, आपतन कोण, इसको कोण आर का परावर्तन है, परावर्तित कोण, ठीक है। तो हमेशा कोण आई जो है वो सदैव बराबर होगा कोण आर के, ठीक है। ये दोनों हमेशा क्या होंगे? इक्वल होते हैं। अच्छा जी, ये बातें हमने कल पढ़ी। अब हमें आज का जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो टॉपिक ये स्टार्ट करना है कि परावर्तन के ऊपर परावर्तन सिद्धांत है या परावर्तन जो क्रिया है इस पर कौन कार्य करता है। दोस्तों अपवर्तन पे जो कार्य करेगा वो करेगा लेंस, और परावर्तन पे जो कार्य करेगा वो करता है दोस्तों दर्पण। कौन करता है बेटा? दर्पण करता है, ठीक है। अब पहली बात तो ये आती है कि दर्पण क्या होता है। दर्पण यानी कांच, वह कांच की वस्तु जिसके किसी एक सतह पे, जिसके किसी एक सतह पे हम क्या कर दे? परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दे, परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दे, तो उसको अपने क्या कह देते? दर्पण कह सकते हैं, ठीक है। अब परावर्तक पदार्थ किसका बना होता दोस्तों? परावर्तक पदार्थ बना होता चांदी का, जिसको अपने कहते हैं सिल्वर। क्या कहते हैं? सिल्वर। चांदी का हो सकता है, निकिल का हो सकता है, ठीक है, एल्यूमिनियम का भी हो सकता है, निकिल या एल्यूमिनियम। मोस्टली अपने ज्यादा काम में किसका लेते हैं? परावर्तक पदार्थ, जो यानी प्रकाश की किरण को जो परावर्तन का कार्य करता है उसको परावर्तक पदार्थ कहते हैं, वापस लौटाने का कार्य करता है, तो उसको हम परावर्तक पदार्थ। ये सबसे ज्यादा काम में किसका लेते हैं? चांदी, या जिसको अपने क्या कह सकते हैं? सिल्वर कह सकते हैं, इसका ज्यादा हम यूज लेते हैं, ठीक है। फिर अब दोस्तों दर्पण जो होता है उस दर्पण को अपने डिवाइड कर सकते हैं दो भागों में। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है समतल, एक तो होता है समतल दर्पण, और एक जो होता है वो होता है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण और गोलीय दर्पण, ये दो प्रकार है दर्पण के, ठीक है। एक तो हो गया समतल और एक कौन सा हो गया? गोलीय। गोलीय भी दो प्रकार का होता है, एक तो होता है अवतल दर्पण, अवतल, एक होता है उत्तल दर्पण। मेनली दो होते हैं, हालांकि और भी प्रकार है, लेकिन मेनली अपने मुख्य मुख्य मोटी मोटी बात करें तो दो प्रकार के हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ये दो प्रकार के हैं। अवतल
इसको अपने कह सकते हैं इसके क्रिया के आधार पर इसका नाम होता है अभिसारी। क्या कह सकते हो दोस्तों इसको? अभिसारी। ठीक है, उत्तल को इसके क्रिया के आधार पर इसका नाम रहता है अपसारी, अपसारी दर्पण। ठीक है, ये क्या है? अभिसारी दर्पण, ये इसके नाम रहे। इसके नाम इस प्रकार रहेंगे क्योंकि जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण में जैसे इस प्रकार का रहता है अपने इस प्रकार से हैं, तो ये उभरी हुई सतह होती है उससे परावर्तक पदार्थ की पॉलिश करते हैं और ये प्रकाश के किरणों को क्या करता है? प्रकाश के किरणों को एकत्रित करता है। प्रकाश के किरणों को क्या करता है? एकत्रित करता है। एकत्रित करने की वजह से इसको तो क्या कहते हैं? अभिसारी। प्रकाश के किरणों को क्या करता है? एकत्रित करता है, इसलिए तो इसको क्या कहते हैं? अभिसारी। ठीक है, अभिसारी इसको दर्पण कहते हैं। उत्तल क्या करता है? प्रकाश की जो किरणें हैं, प्रकाश की जो किरणें हैं उन प्रकाश की किरणों को क्या करता है? फैलाता है। प्रकाश की किरणों को क्या करेगा? फैलाने का काम करेगा, इसलिए इसको क्या कहते हैं? अपसारी दर्पण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करें जिसे समतल दर्पण है। किसकी बात करें दोस्तों? समतल दर्पण की बात करें, और इनको अवतल और उत्तल दर्पण है, इनसे बनने वाले प्रतिबिंब जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, प्लस इनका यूज कहां का होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। समतल दर्पण में कभी कभार कुछ चीजें पूछते हैं उनकी बात करते हैं। समतल दर्पण अपने घर पे काम में लेते ही है, सब जानते हो आप लोग। समतल दर्पण है जो ऐसी कांच की पट्टी का जिसकी एक सतह पे हम क्या करते हैं? परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर देते हैं। ठीक है, समतल दर्पण में दोस्तों जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा कैसा बनता है? सीधा बनता है। कैसा बनता है? सीधा। और जो प्रतिबिंब हमेशा सीधा होगा वो कैसा होगा? आभासी होगा। कैसा होता है? आभासी होता है। पहली बात तो ये, इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सीधा। और सीधा होगा वो हमेशा कैसा होगा? आभासी प्रतिबिंब होगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात इसमें ये है कि प्रतिबिंब जो है उसकी अगर साइज की बात करें तो प्रतिबिंब के साइज हमेशा बिंब बोलते हैं वस्तु को। बिंब किसको बोलते हैं? वस्तु को। प्रतिबिंब के जो साइज है वो हमेशा किसके बराबर होती है? बिंब के बराबर। बिंब का मतलब होता है वस्तु। बिंब को अपने क्या कह सकते हैं? वस्तु। वस्तु के बराबर होती है। प्रतिबिंब की जो साइज होती है समतल दर्पण में, प्रतिबिंब जो बनेगा वह वस्तु अर्थात बिंब के समान बनेगा, इक्वल बनेगा। ठीक है दोस्तों, तीसरी इसकी विशेषता बात करें समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, तो तीसरी विशेषता यह है कि इसमें एक होता पार्श्व परावर्तन, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में पूछ भी सकते हैं। पार्श्व परावर्तन इसको कभी कभार पूछ सकते हैं। एक्चुअली दोस्तों पार्श्व परावर्तन का मतलब यह है कि वस्तु समतल दर्पण में जो समतल दर्पण में है तो समतल दर्पण में दाई, समतल दर्पण में वस्तु का दाया भाग तो प्रतिबिंब में दिखाई देता है बाई तरफ, और वस्तु का बाया भाग दिखाई देता है दाई तरफ, और दाया भाग दिखाई देता है बाई तरफ। ठीक है, तो एल आर की तरफ और आर एल की तरफ दिखाई देता है। जैसे इसमें अपनी बात करें, इस प्रकार से बात करें, ये एक समतल कांच की पट्टी का है, हमने परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दी। हमने क्या कर दी? परावर्तक पदार्थ की क्या कर दी? पॉलिश कर दी। ठीक है, ये कांच की पट्टी का है और हमने इसमें परावर्तक पदार्थ किस प्रकार की क्या कर दी? पॉलिश कर दी हम लोगों ने। ठीक है, ये अपना बन गया किस प्रकार का दर्पण? समतल दर्पण बन गया। कांच की पट्टी का होती है, उसके एक पृष्ठ पे क्या करते हैं? परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर देते हैं। अब क्या है, जैसे ये है एल, ये है आर, तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो वस्तु, यानी वस्तु प्रतिबिंब से जितनी दूरी पे है, वस्तु दर्पण से जितनी दूरी पे है प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पे बनेगा, पीछे बनेगा उतना ही। तो L है तो ये L बन जाएगा, R है तो यहां पे क्या बन जाएगा? R बन जाएगा। ठीक है, और L है तो वो क्या बन जाएगा? L बन जाएगा। दूरी तो इस प्रकार की रह जाएगी इसमें, सेम दूरी, लेकिन जैसे प्रतिबिंब इस प्रकार से P है तो वो किस प्रकार से बनेगा? इस प्रकार से बनेगा, यानी बाया भाग कहां दिखाई देगा? दाई तरफ, और दाया भाग कहां दिखाई देगा? बाई तरफ दिखाई देगा। इसको वो अपन क्या बोलते हैं? पार्श्व परावर्तन कहते हैं। इसको अपने क्या कह सकते हैं? पार्श्व परावर्तन कह देते हैं। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा विशेष अपने को याद रखना है कि पार्श्व परावर्तन क्या होता है और पार्श्व परावर्तन किसकी विशेषता होती है? समतल दर्पण की होती है। ठीक है दोस्तों, और इसका यूज कहां होता है? एक तो पार्श्व परावर्तन को समझाने में, एक हमें जो प्रतिबिंब है सीधे और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए इसका यूज करते हैं, नॉर्मली अपने घर पे इसका यूज करते ही है।
तो ये तो हो गया दोस्तों समतल दर्पण की बात, ठीक है। अच्छा जी, समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है, एक अलग वीडियो बनाएंगे अपने, उसमें इसको अपने एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं गोली दर्पण, इसको थोड़ा गोली दर्पण को अपन थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। इसके बाद में अगर दोस्तों अपने देखे आगे, तो इसमें यह रहेगा कि गोली दर्पण है, गोली दर्पण होते हैं दो प्रकार के। अब गोली दर्पण में क्या है, इसको एक तो कह देते हैं अवतल दर्पण और एक को कह देते हैं उत्तल दर्पण। गोली दर्पण में दोस्तों इसको थोड़ा समझने का प्रयास करना कि इस प्रकार का वक्र आकार का कोई गोली कांच का टुकड़ा है, वक्र आकार का कोई कांच है, इस कांच को अपने क्या करते हैं खोखला, कैसा है खोखला, खोखला वक्र आकार का कांच है, ठीक है दोस्तों। अब क्या करते हैं, इसका कोई टुकड़ा, हम यहां से कोई टुकड़ा काट लेते हैं, ठीक है, इसे टुकड़ा काट लिया, और इस टुकड़े में हम क्या करते हैं, इसकी किसी भी एक सतह पे, जैसे उभरी वाली सतह इस पे, या मान लो जैसे अपने यहां से इसको काटा, ठीक है, और यहां से काटने के बाद में इसके अंदर जो दसी हुई सतह है इस पे क्या कर देते हैं, परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, गोलीय दर्पण बन जाता है। गोलीय दर्पण क्या होगा, यानी ऐसा वक्र आकार का खोखला कांच, ठीक है, जिसके हम क्या करते हैं, किसी भी कोई एक टुकड़ा काम में ले लेते हैं, और उसके किसी एक सतह पे अपन क्या करते हैं, परावर्तक पदार्थ की दोस्तों क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, तो वो तो कोई क्या हो गया बेटा, गोलीय दर्पण हो गया, ठीक है। अब गोलीय दर्पण में क्या है, अवतल किसे कहोगे, अवतल का जैसे मैंने नाम बताया आपको कि इसको क्या कहते हैं, अभिसारी भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, अभिसारी। उत्तल को हमने क्या बताया कि इसको हम क्या कहते हैं, अपसारी भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, अपसारी, क्योंकि प्रकाश की किरणों को परावर्तन होने के बाद फैलाता है, और ये प्रकाश की किरणों को परावर्तन करने के बाद क्या करता है, एकत्रित करता है, किसी एक बिंदु पे एकत्रित करने का कार्य करता है, ठीक है। अवतल दर्पण क्या होगा, इस प्रकार का जैसे अपने डायग्राम बनाए तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर रहेगी, अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण की जो स्ट्रक्चर रहेगी वो इस प्रकार से रहेगी, ये कोई कांच का अपने वक्र आकार का खोखला कांच है, और वो हम काम में लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, जैसे ये इसका अपने बिंदु मान ले, यहां पर इस प्रकार से इसको डॉट डॉट बढ़ा सकते हैं आगे इस प्रकार से, ठीक है। इस पे क्या कर दिया हमने, इसकी जो उभरी हुई सतह है उस पे हमने क्या कर दी, परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दी, ठीक है, परावर्तक पदार्थ की क्या कर दी हमने, पॉलिश कर दी, तो उसे अपन क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे। ऐसा वक्र आकार का खोखला कांच जिसकी उभरी हुई सतह पर अपने क्या करते हैं, परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं दोस्तों। फिर अपने बात करें उत्तल दर्पण की, बात करें किसकी बात करें, उत्तल, इसमें क्या होगा, इस प्रकार का रहेगा, ठीक है, और इसके जो अंदर दसवीं सतह है, अंदर कौन सी सतह, दसवीं जो सतह है, उस दसवीं सतह पर अपने क्या करते हैं, परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर देते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, उत्तल दर्पण कहलाएगा। अब कुछ परिभाषाएं हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी है, उनको अपन को समझना है, जो हमें दर्पण में भी काम आएगी, और वो कि वही सारे शब्द हमें किस में काम आएंगे, लेंस को और लेंस की क्रिया करेंगे उस पर भी डिपेंड है। तो इन चीजों को समझने के लिए देखो अपन को क्या है, जिसे लिखते हैं नंबर वन बात, एक तो होता वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र मेन जो पॉइंट बात करते हैं, वक्रता पॉइंट, वक्रता जो केंद्र है दोस्तों, इसको अपन ऐसे समझे, क्योंकि जो कांच है, दर्पण है, ये दर्पण वक्र आकार का खोखला है, कैसा है, वक्र आकार का खोखला है, और इस वक्र आकार के खोखले जो कांच है, उस कांच का जो केंद्र होता है, उस कांच का दोस्तों क्या होता है, जो केंद्र होता है, जिसमें यहां पे बात करूं इस प्रकार का है, तो यहां का इसका ये जो केंद्र है, हमने यहां से इसको यहां से काट लिया और यहां पर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दी, तो ये जो बिंदु है, इस बिंदु को अपने क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे, क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र, क्लियर है। नंबर दो, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या नंबर दो की बात करते हैं, वक्रता जो त्रिज्या है वो दोस्तों क्या होगी कि वक्रता केंद्र और यहां पे इस बिंदु को होता है ध्रुव, पहले एक बार ध्रुव को समझ लो आप, ध्रुव क्या होता है, ध्रुव की बात करें, पी से डिनोट करते हैं इसको, ठीक है, वक्रता केंद्र को सी से डिनोट करते हैं,
वक्र त्रिज्या को आर से डिनोट करते हैं। ध्रुवें क्या है? ध्रुवें इस जो कांच का अपना वक्र आकार का कांच है, जो हमने जितना काम में लिया है, जिस पे परावर्तक पदार्थ की पॉलिश की है, उसका मध्य बिंदु जो है, जो हमने टुकड़ा लिया कांच का टुकड़ा, उसका जो मध्य बिंदु है, उस मध्य बिंदु को अपने क्या कह देंगे? ध्रुवें कह देंगे। इसको पी से डिनोट करते हैं। एक होता है द्वारक, एक क्या होता है? द्वारक। द्वारक का मतलब जैसे इस प्रकार से रहेगा, इस प्रकार का एक कांच का टुकड़ा है अपना, इस प्रकार से, तो इसका यहां से यहां तक ये व्यास, और यहां से यहां तक इसका बीच का जो बिंदु होगा, वो बिंदु क्या कहलाएगा? इसका द्वारक कहलाता है। क्या कहलाता है? इसका द्वारक। इसको भी अपने यहां पे लिख देते हैं, द्वारक। ये हालांकि अपने इतना कोई काम में नहीं आता, द्वारक है। ध्रुव हो गया। अब यहां से वक्रता त्रिज्या की बात करें, तो ये बिंदु अपने क्या बताया? वक्रता केंद्र। और ये क्या बताया? ध्रुव है, जो बिल्कुल बीचों बीच है इसका, ठीक है। इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है, उस दूरी को अपने क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और इसको किससे डिनोट करते हैं? आर से डिनोट करते हैं। किसे करते हैं? आर से डिनोट करते हैं। उसके बाद में अगर बात करें अपने नंबर पांच की बात करें, नंबर पांच पे अपने ले सकते हैं जैसे फोकस बिंदु। क्या ले सकते हो? फोकस बिंदु, या इसको कह सकते हैं मुख्य फोकस, ठीक है, फोकस बिंदु। इससे डिनोट करते हैं एफ से। किससे डिनोट करोगे? एफ से डिनोट करोगे। तो जो किरण है मुख्य, ये जो मुख्य अक्ष है, इसके समांतर, जो जो किरण मुख्य अक्ष से समांतर आती है, वो दर्पण से टकराने के बाद, परावर्तित होने के बाद में, जिस बिंदु से गुजरती है, जिस बिंदु पे एकत्रित होती है, उस बिंदु को अपने क्या कहते हैं? फोकस बिंदु कहते हैं। दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद में वापस लौटेगी, परावर्तित होगी, और परावर्तित होने के बाद में ये क्या है? मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से एक पर एकत्रित होती हुई, या जिस बिंदु से गुजरती है, जिस बिंदु पे एकत्रित होती है, उस बिंदु को अपने क्या कहते हैं? फोकस बिंदु कहते हैं, एफ कहते हैं इसको। अब यहीं से बन जाती है फोकस दूरी। यहीं से क्या बन जाती है? फोकस दूरी। यहीं से क्या बनेगी? फोकस दूरी। इसको एफ से डिनोट करोगे। तो फोकस जो दूरी है वो क्या होती है? इस फोकस बिंदु और ध्रुव, इसके बीच का जो दूरी कहलाएगी, ये दूरी क्या कहलाएगी? एफ। अर्थात ये दूरी क्या कहलाएगी? फोकस दूरी कहलाएगी। और इन एफ और आर के बीच में हमेशा जो संबंध होता है, वो संबंध आर बराबर हमेशा टू एफ होता है। अर्थात मैं इस प्रकार से ये कह दूं कि जो वक्रता त्रिज्या है वो हमेशा फोकस दूरी के दोगुनी होती है, या फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये संबंध भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आर बराबर टू एफ, कई बार इसको पूछा गया है, इसको भी अपने को अच्छे प्रकार से याद रखना है। यहां पे एक पॉइंट आया था अपने पास में, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष दोस्तों क्या होता है कि जो वक्रता केंद्र और ध्रुव, वक्रता केंद्र और क्या है? ध्रुव, इन दोनों को मिलाने वाली काल्पनिक जो रेखा होती है, उस काल्पनिक रेखा को अपने क्या कह सकते हैं? मुख्य अक्ष कह सकते हो। क्या कह सकते हो? मुख्य अक्ष कह सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गई अपनी टर्मिनोलॉजी। एक बार दोबारा देखिए, जो मेन मेन टर्मिनोलॉजी है, इस टर्मिनोलॉजी को आप दोबारा देखिए एक बार। मेन टर्मिनोलॉजी को अपने दोबारा देखनी है तो अपने पास शब्द क्या है? हम पढ़ रहे हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में जो टर्मिनोलॉजी काम आती है, वो टर्मिनोलॉजी हम लोग पढ़ रहे थे, परिभाषिक शब्दावली को कह सकते हैं एक प्रकार से। पहला है वक्रता केंद्र। कि वक्रता केंद्र क्या होता है? गोलीय दर्पण में क्या है, जो हम कांच का टुकड़ा लेते हैं, वो एक खोखला वक्र आकार का टुकड़ा होता है, खोखला वक्र आकार का गोला होता है। उस वक्र आकार का जो खोखला गोला है, उसका जो केंद्र होता है, उस केंद्र को अपने क्या कह सकते हैं? एक प्रकार से वक्रता केंद्र कहते हैं। और इसको सी से डिनोट करते हैं। क्लियर? वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या समझने से पहले ध्रुव समझना पड़ेगा। इस कांच का जो टुकड़ा काम में लिया है, जिसपे अपने परावर्तक पदार्थ की पॉलिश की है, इसके मध्य जो बिंदु होता है इसका, यहां से लेके यहां तक इसका जो मध्य बिंदु है, उस मध्य बिंदु को अपने क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। और इसको किससे डिनोट करते हैं? पी से डिनोट करते हैं, पोलर से, ठीक है दोस्तों। अब वक्रता केंद्र और ध्रुव, इन दोनों को जो मिलाने वाली काल्पनिक रेखा होती है, उस काल्पनिक रेखा को तो क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। और इस मुख्य अक्ष के जो प्रकाश की किरण समांतर आती है, और टकराने के बाद मुख्य
फोकस से गुजरती है, तो ये जो बिंदु कहलाता है ये मुख्य अक्ष के साथ, इस बिंदु को क्या कहते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं। फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस त्रिज्या कहते हैं, है ना, ये क्या कहलाएगी अपने फोकस दूरी कहलाएगी। ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी, यानी ये क्या है वक्रता के अंदर, ये क्या है ध्रुव है, इन दोनों के बीच की दूरी क्या कहलाती है वक्रता त्रिज्या, इसको हम क्या कहते हैं आर कहते हैं, और आर बराबर हमेशा क्या होता है 2f होता है, अर्थात फोकस दूरी आधी होती है किसकी वक्रता त्रिज्या के। ये अपने मेन मेन इसके शब्दावली है जिसको हमें अच्छे प्रकार से समझना है। ठीक है दोस्तों, अब जो प्रतिबिंब बनते हैं वो प्रतिबिंब बनते हैं दोस्तों एक्चुअली दो प्रकार के, एक तो जैसे हमने पहले बात की कि वास्तविक प्रतिबिंब होता है और एक होता है आभासी, एक तो कैसा होता है वास्तविक होता है और एक प्रतिबिंब कैसा होता है आभासी होता है। तो इनमें जैसे दो तीन अंतर देखिए, मुख्य मुख्य अंतर क्या होता है इनकी बात करिए अपने आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब में। एक तरफ मैं लिख देता हूं आभासी और एक तरफ मैं लिख देता हूं वास्तविक, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब। आभासी में क्या होता है कि जो आपतित किरण है, आपतित किरण आती है दर्पण से टकराने के बाद में किसी निश्चित बिंदु पर परावर्तित नहीं होती, निश्चित बिंदु पर मिलती नहीं है। मैं यूं कह दूं एक प्रकार से कि निश्चित बिंदु पर, निश्चित स्थिति पर आपतित नहीं होती, निश्चित बिंदु पर मिलती नहीं है, तो इसको तो क्या कहते हैं आभासी कहते हैं। इससे बनने वाले जो प्रतिबिंब है वो क्या होता है, ऐसा हमें आभास होता है केवल मिलती नहीं है। वास्तविक में क्या होता है आपतित किरण है, आपतित किरण दर्पण से टकराने के बाद में परावर्तित होती है और किसी निश्चित बिंदु के ऊपर, विशेष ध्यान के किसी निश्चित बिंदु के ऊपर, निश्चित स्थिति के ऊपर एकत्रित होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो क्या कहलाता है वास्तविक कहलाता है। आभासी हमेशा कैसा होता है सीधा होता है, तो वास्तविक हमेशा कैसा होता है उल्टा होता है। वास्तविक तो आप पर्दे पे प्राप्त कर सकते हो, वास्तविक जो होते हैं इनको किस पे प्राप्त कर सकते हो पर्दे पे प्राप्त कर सकते हो, आभासी जो होते हैं उन आभासी को कभी भी पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते, इनको कभी पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते। आभासी जो होते हैं ये हमेशा दर्पण के पीछे बनेंगे, आभासी जो होते हैं वो कहां बनेंगे दर्पण के पीछे बनते हैं। ठीक है, ये हमेशा पीछे बनेंगे और ये क्या बनते हैं सम्मुख बनते हैं, सम्मुख मतलब सामने बनते हैं, कहां बनेंगे सामने बनते हैं। तो ये मेन चार अंतर हैं आभासी प्रतिबिंब में और वास्तविक प्रतिबिंब में। वापस देखिए आभासी जो प्रतिबिंब होगा उसमें क्या होगा कि आपतित किरण है वो दर्पण से टकराने के बाद परावर्तित होती है और किसी निश्चित बिंदु पर नहीं मिलती है। ठीक है, इस प्रकार के जो प्रतिबिंब है उनको पर्दे भी प्राप्त नहीं कर सकते, ये हमेशा सीधे होते हैं और दर्पण के पीछे बनते हैं। ये वास्तविक जो होते हैं वो एक परावर्तित किरण है, वो परावर्तित किरण किसी निश्चित बिंदु पर मिलती है और बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा होता है, पर्दे पे इनको प्राप्त कर सकते हो और सम्मुख बनते हैं, दर्पण के कैसे काम बनेंगे सामने बनते हैं सम्मुख बनते हैं। तो इनमें आभासी और वास्तविक में मुख्य ये दो अंतर होते हैं जिनको हमने देखा है। अगला जो टॉपिक स्टार्ट करते हैं दोस्तों गोलीय दर्पण में परावर्तन के नियम, ये टॉपिक अपने स्टार्ट करते हैं कि गोलीय दर्पण में अगर हम किरण आरेख चित्र बनाएंगे, वस्तु कहाँ पे रखें, अलग अलग स्थिति पे वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब अलग अलग जगह बनेगा, उसकी साइज अलग होगी, उसकी प्रकृति अलग अलग होगी। और यहीं से प्रश्न आएगा, जो मुख्य पॉइंट है वो यही है कि हम वस्तु को जहाँ जहाँ रखेंगे, बिंब को जहाँ जहाँ रखेंगे, उससे प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, किस प्रकार बनेगा, उसकी प्रकृति कैसी होगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक समझने से पहले उसके नियम समझना जरूरी है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं डायग्राम को रटने का प्रयास करते हैं और वो असफल प्रयास होता है। आप लोगों को जो बताए गए नियम है उन नियमों का आप ध्यान रखें, उसके बाद आपका एक भी प्रश्न बिल्कुल गलत नहीं होगा, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। नियम देखिए आप, नियम नंबर एक तो ये है, जैसे अपने ये इस प्रकार से अपने क्या है डायग्राम लेते हैं दर्पण का, इस प्रकार से अपना दर्पण है, ठीक है, इस प्रकार से क्या अपना दर्पण है, ठीक है, इस पे अपने क्या कर दी परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दी, जैसे इस प्रकार से परावर्तक पदार्थ है और उसकी हमने क्या कर दी पॉलिश कर दी। ठीक है जी, ये इसका जैसे मान लो यहां पर अपने क्या बना दिया वक्रता केंद्र हो गया, ये इसके बिल्कुल साम यहां क्या कहलाएगा आप बताओ ध्रुव कहलाएगा, किससे डिनोट करते हैं पी से डिनोट करते हैं, इसको किससे डिनोट करते हैं सी से डिनोट करते हैं। ठीक है जी, अब नियम नंबर एक आता है, नियम नंबर एक हमें ये कहता है, यहां लिख देते अपने नियम नंबर एक
कि जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, ये आपके जैसे मुख्य अक्ष है, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है ये आपतित किरण है। इस प्रकार से इसकी दिशा डिनोट करते हैं। यहां से परावर्तित होगी और ऐसे गुजरेगी, ये इसकी दिशा को डिनोट कर देते हैं। तो जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं वह परावर्तित होने के बाद में कहां से गुजरती है, एफ से गुजरती है। कहां से गुजरती है, एफ, एफ मतलब फोकस बिंदु से गुजरती है। कहां से गुजरती है, फोकस बिंदु से गुजरती है। जैसे ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आती है, ये यहां से गुजर जाएगी। ये मुख्य अक्ष के समांतर आती है, यहां से गुजर जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो नियम नंबर एक, तो यानी इसको अपने कह सकते हैं मुख्य अक्ष के समांतर। नियम नंबर दो की बात करें, नियम नंबर दो ये होगा कि जो किरणें फोकस बिंदु से होकर दर्पण से टकराए, फोकस बिंदु से होते कहा दर्पण से टकराए। जैसे इसका डायग्राम बनाए अपने, इस प्रकार से ये दर्पण है, ये परावर्तक पदार्थ की हमने पॉलिश कर दी और ये अपना वक्रता केंद्र हो गया, ये इसका ध्रुव हो गया, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया। मैं कह रहा हूं जो किरण एफ से होती हुई, एफ यानी फोकस बिंदु से होकर कहां पे टकरा रही है, दर्पण से टकरा रही है। कहां से टकरा रही है, दर्पण से। तो ये परावर्तित होगी तो परावर्तित मुख्य अक्ष से समांतर हो जाएगी। कैसे गुजरेगी, मुख्य अक्ष से समांतर हो जाएगी। देखो ये ऐसे जा रही है तिरछी और वापस कैसे होगी, मुख्य अक्ष के समांतर होगी। यहां पे देखो ये सीधी आई है, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष से समांतर है, यानी ये रेखाएं जिनमें यहां पे जितना अंतर होगा उतना अंतर यहां पर है, उतना अंतर यहां पर है, तो समांतर रेखा आप जानते ही हो। तो जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आई है वो परावर्तन होने के बाद कहां से गुजरी है, फोकस बिंदु से गुजर रही है। कहां से गुजरी है, फोकस बिंदु से। और जो किरणें पहले फोकस बिंदु से गुजरी फिर दर्पण के से टकराई, तो टकराने के बाद मुख्य अक्ष से क्या हो गई, समांतर हो गई। सीधी आई है तिरछी हो गई, तिरछी आई है कैसे हो गई, सीधी हो गई। सिंपल बात ऐसे याद रख सकते हैं, ये नियम नंबर दो कहलाता है अपना। नियम नंबर तीन की बात करें अपने, नियम नंबर किसकी, तीन की बात करें। नियम नंबर तीन ये कहता है कि जो किरण वक्रता केंद्र से गुजरती है, कहां से गुजरती है, वक्रता केंद्र से, सी से गुजरेगी, तो ये जिस पथ से गुजरेगी, जैसे इस पथ से गुजरी तो दर्पण से परावर्तन होने के बाद उसी पथ पे वापस लौट जाएगी। परावर्तन तो होगा लेकिन जिस पथ पे जाती है उसी पथ पे वापस लौट जाती है। ये नियम नंबर क्या कहलाएगा, तीन कहलाएगा वक्रता केंद्र का। नियम नंबर चार की ओर बात करते, चार इसके नियम है दोस्तों, दोबारा और इनको पढ़ेंगे। नियम नंबर चार कहता है तिर्यक रेखा, क्या कहलाती है, तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा ये कहती है कि जो किरण जिस कोण से ध्रुव पे आपतित होती है, जैसे ये मुख्य अक्ष हो गया, ये जिस कोण पे आपतित होती है उसी कोण पे वापस लौट जाती है, यानी ये कोण और ये कोण क्या होगा, समान होगा, तिर्यक रेखा है वो। मतलब इसका मतलब ये होगा कि जो प्रकाश की किरण ध्रुव पे जिस कोण पे आपतित होती है परावर्तन होने के बाद उसी कोण पे वापस लौट जाती है, ये नियम नंबर क्या कहलाएगा, तीन कहलाएगा तिर्यक रेखा। क्या कहलाएगी, तिर्यक रेखा। तो इस प्रकार के अपने ये गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनने के जो डायग्राम हैं उन डायग्राम को हमने अच्छी प्रकार से देखा। दोबारा देखिए, डायग्राम की सहायता से मैंने आपको पढ़ाने का प्रयास किया है। इन नियमों को समझना बहुत बहुत जरूरी है, ये नियम हमेशा अटल है और इन्हीं से अपने को क्या बनाना, किरण चित्र या आरेख बनाना है। जैसे ये अपना दर्पण, हमने इस पर क्या कर दी, परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दी। कैसे पदार्थ की पॉलिश कर दी, परावर्तन पदार्थ की पॉलिश कर दी। ये अपना दर्पण है इस प्रकार का, ठीक है। कैसा दर्पण है, अवतल दर्पण है। अवतल क्यों है, क्योंकि इसकी उभरी हुई सतह पे क्या कर दी हमने, परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दी। परावर्तक पदार्थ दोस्तों कौन सा होता है, निकिल है, सिल्वर है, चांदी है ना, एल्यूमिनियम है, ये काम में लेते हैं, जो प्रकाश का क्या करता है, परावर्तन कर देता है, ठीक है जी। ये बातें हमने पहले पढ़ रखी है। अब यहाँ पे जैसे मान लो ये वक्रता केंद्र है, यहाँ पे ये ध्रुव है और इनको मिलाने वाली रेखा को अपने क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कह देते हैं। क्या कह देते हैं, मुख्य अक्ष कह देते हैं। अच्छा जी, ठीक है। नियम नंबर एक तो क्या कहता है कि जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर, जो किरण ये मुख्य अक्ष है इसके समान अंतर, यानी इनमें जितना अंतर बिल्कुल समूह इसके समांतर आएगी। जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वह परावर्तन के बाद
बाद, बाद कहाँ से गुजरेगी, एफ से गुजरेगी, कहाँ से गुजरेगी, एफ से गुजरेगी। नियम नंबर वन कि जो किरण मुख्य अक्ष से समांतर आएगी वो हमेशा कहाँ से गुजरेगी, एफ से ही गुजरेगी, कहाँ से गुजरेगी, एफ से ही गुजरेगी, कहाँ से गुजरेगी, एफ से ही गुजरेगी। ये हमारा नियम था नंबर वन, कैसा था, नियम नंबर वन पढ़ा हमने, क्लियर। नियम नंबर दो, नियम नंबर दो में हमने ये पढ़ा कि जो किरण, जो किरण कहां से फोकस बिंदु से होती हुई, ये फोकस बिंदु है, जो किरण फोकस बिंदु से होती हुई दर्पण से टकराएगी, किसे टकराएगी, दर्पण से, वो हमेशा मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी, समांतर। ये नियम नंबर दो हमने पढ़ा था। नियम नंबर तीन देखें, नियम नंबर तीन हमें यह कहता है जो किरण वक्रता बिंदु से, किसे, वक्रता बिंदु से होती हुई दर्पण से टकराती है वह उसी पथ पे वापस लौट जाती है, इसी पथ पे वापस लौट जाएगी। और नियम नंबर चार, नियम नंबर चार अगर देखें, नियम नंबर चार ये कहता है कि ध्रुव के ऊपर प्रकाश की किरण जिस कोण पे आपतित होती है उसी कोण पे वापस, ये कोण और ये कोण क्या होगा, समान होगा, उसी कोण पे वापस लौट जाती है। तो ये नियम हमारे चार नियम है, कितने नियम है, चार नियम है। दोबारा देखिए, नियम नंबर एक बताइए, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वह परावर्तन के बाद में फोकस बिंदु से गुजर जाती है, नियम नंबर वन। नियम नंबर दो देखें, जो किरण फोकस बिंदु से होती हुई दर्पण से टकराएगी तो परावर्तित होने के बाद वो कहां से गुजर जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर गुजर जाएगी, ठीक है। नियम नंबर तीन कि जो किरण ध्रुव से होती हुई जाती है, दर्पण से टकराती है, दर्पण पर टकराने के बाद परावर्तित उसी पथ पे वापस लौट जाएगी, उसमें विचलन नहीं होगा। नियम नंबर चार यह कहलाता है कि जो किरण ध्रुव के ऊपर जिस कोण से आएगी परावर्तन भी उसी कोण पे होगा, परावर्तन भी उसी कोण पे होगा। तो ये हमने दोस्तों आज पढ़ा कि ये जो भी परिभाषाएं हैं वो परिभाषित शब्दावली पढ़ी, दर्पण के, दर्पण गोली दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब के नियम पढ़े। कल का जो वीडियो है वो जबरदस्त शानदार वाला वीडियो आएगा और वहां से क्वेश्चन अक्सर उठता है कि दो स्थितियां इस प्रकार से रखी हुई है तो इसमें प्रतिबिंब किरण चित्र कैसे बनाओगे, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, उसको आपको समझना है और वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसको समझने से पहले ये आपके नियम समझ में आने चाहिए, प्लस आपकी जो परिभाषिक शब्दावली मैंने आप बताई, वक्रता केंद्र क्या होता है, फोकस बिंदु क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, ध्रुव क्या होता है, दर्पण क्या होता है, ठीक है। ये जो मैंने आपको पॉइंट बताया, इन पॉइंटों को एक बार अच्छी प्रकार से आपको समझना है, वीडियो को एक दो बार दोबारा देखिए और अच्छी प्रकार से किताब की सहायता लीजिए, ठीक है बेटा। धन्यवाद, बाय बाय।